गाइस माय नेम इज विशाल पुरोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं डिश बनाऊंगा वो मैं सबका तो नहीं कह सकता पर एक गुजराती की सबसे फेवरेट डिश है, वो है ढोकला खमन। हम लोग ऑथेंटिक स्टाइल में जैसे ढोकला खमन बनता है वैसे हम बनाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, इसकी रेसिपीज देखिए, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए और जो मेजरमेंट्स है वो सही से लीजिए। आपकी ऐसी ही परफेक्ट रेसिपी घर पे भी बनेगी। चलिए एज ऑलवेज विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, उसके अंदर हम लोग 1 कप ग्राम फ्लावर मीन्स बेसन ऐड करेंगे। अब ये जो मेजरिंग कप है ना, ये मार्केट में मिलते हैं, ये मैंने 1 कप लिया है। अगर आप घर का कोई बोल यूज़ करते हो तो मेजरमेंट आप उस कप के हिसाब से आप ले सकते हो। अब मैं बेसन ले रहा हूँ, अब हम लोग 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बताइए खमन की, तो खमन की रेसिपी काफ़ी सिंपल है और अगर आपको परफेक्ट फ्लफी और टेस्टी खमन बनाने हैं तो आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हर बार आप जब बनाओगे तब सेम टेस्ट और सेम टेक्सचर आपको मिलेगा। मैं अगर आप 1 कप बेसन लेते हो तो आपको सामने 1 कप पानी ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। यदि खाना और शक्कर ना आए ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए हम थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बात है बैटर बनाने की तो हम लोग अभी पानी ऐड करेंगे, तो 1 कप बेसन लिया है तो हम लोग 1 कप एग्जैक्ट पानी ऐड करेंगे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको परफेक्ट फ्लफी और टेस्टी ढोकला बनाना है तो आप जब ग्राम फ्लावर ऐड करोगे मीन्स जब आप बेसन ऐड करते हो ना, तब उसको अच्छे से स्ट्रेन करना है, उसको अच्छे से छान के फिर इसके अंदर ऐड करना है। स्ट्रेन करके ऐड किया है जिससे उसके अंदर का जो एयर कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसको एरिएशन प्रोसेस कहते हैं, इसलिए आपके जो खमन है वो अच्छे फ्लफी बनेंगे। क्योंकि कि हमारा बैटर तो रेडी हो चुका है पर ये राइस तो नहीं हुआ, तभी हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे इनो। इनो ऐड करने के बाद हम लोग इसके ऊपर ऐसे पानी डालेंगे। इनो डालने के बाद मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप पानी लिया है, उसके अंदर मैंने जो एक ये जो पैकेट आता है छोटा इनो का वो मैंने ऐड किया है, उसकी जो क्वांटिटी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। हमारा ये बैटर भी कितना फ्लफी है, तो अभी ढोकला भी हमारा फ्लफी और टेस्टी बनेगा। खमन स्टीम करने के लिए हम लोग ये प्लेट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। देखो स्टीमर को हमने हाई फ्लेम पे रखा है, इसलिए स्टीमर को अच्छे से हाई फ्लेम पे रखा था इसलिए अच्छी देखो स्टीम बन गई है। अब हमारा जो ढोकला है उसको अंदर ऐड करते हैं। आपको चेक करना है कि खमन अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं हुए, तो आपको स्टीमर ओपन करके या तो नाइफ या टूथपिक से आपको प्रिक करना है। अगर आपके टूथपिक पे या फिर नाइफ पे अगर बैटर आता है मीन्स अभी तक आपका खमन का बैटर कच्चा है, अच्छे से वो पका नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम में 7 मिनट्स में कुक हो जाएंगे। तो गाइज हमारा खमन अच्छे से कुक हो गया है। तो गाइज हमारा जो खमन है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है, अब हम इसका तड़का जो होता है वो प्रिपेयर करेंगे। हम लोग ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हमारा ये जो हमारा तड़का है वो हम ऐड करेंगे। इसमें हमने सेसमे सीड्स, राय और हींग ऐड किए, इसके अंदर हम लोग ग्रीन चिली डालेंगे, ग्रीन चिली को स्प्लिट करके ऐड करना है और हम लोग करी लीव्स डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स 2 चम्मच, पानी ऐड करेंगे। हमारा तड़का रेडी है, अब हम इसको हमने जो खमन स्टीम किया है उसके ऊपर हम इस तड़के को स्प्रेड करेंगे। चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। इसी के साथ ही मेरी आज की खमन की जो रेसिपी है वो रेडी है। पहले अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे पूरा करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये मेरी पहली गुजराती वानगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। छाती काढ़ी उभू।